हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इमरान अथर और आप सबके मेरे चैनल टेक्निकल सिमरा में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने खुद के मोबाइल से जियो ऐप के जरिए जियो फाइबर वाईफाई का रिचार्ज कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन से जियो फाइबर को रिचार्ज करने के लिए आपको सबसे पहले जियो ऐप को ओपन करना है। जियो ऐप को ओपन करते ही आपका जो होम पेज है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। फ्रेंड्स, अब इस पेज में आपको ऊपर होम और मोबाइल के बगल में फ्रेंड्स देख सकते हैं कि बीच में फाइबर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फाइबर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरा जियो फाइबर का नंबर फ्रेंड्स इस जियो ऐप से लिंक नहीं है, इसलिए रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे मैं रिचार्ज फॉर अ फ्रेंड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अगर आपका भी जियो नंबर इस ऐप से लिंक नहीं है, जियो के ऐप से लिंक नहीं है फ्रेंड्स, तो आपको भी रिचार्ज फॉर अ फ्रेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर आपका जियो फाइबर का नंबर जियो ऐप से लिंक है तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा फ्रेंड्स रिचार्ज जियो फाइबर। अगर आपका मोबाइल नंबर जियो के ऐप से लिंक है तब भी आप रिचार्ज फॉर अ फ्रेंड के ऑप्शन पे जाके रिचार्ज कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपका जो जियो फाइबर है वो रिचार्ज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप रिचार्ज फॉर अ फ्रेंड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जियो फाइबर को रिचार्ज करना है, इसलिए आपको जियो फाइबर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ बॉक्स में आपको अपने जियो फाइबर का नंबर टाइप कर देना है फ्रेंड्स। अगर आपका जियो फाइबर का जो नंबर है वो अगर आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट में सेव है तो आप फ़ोन बुक वाले ऑप्शन में जाके भी फ्रेंड्स आप अपने जियो फाइबर का नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अपना जियो फाइबर का नंबर यहां पर भर देने के बाद फिर आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपका इस तरह का पेज ओपन होगा। फ्रेंड्स, इस पेज में आपको रिचार्ज करने के बहुत सारे प्लान दिखेंगे फ्रेंड्स। आपको जो प्लान अच्छा लगता है उस प्लान को खरीदने के लिए आपको बस बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको महीने से लेकर के साल भर के सभी तरह के रिचार्ज प्लान आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको स्पीड के हिसाब से प्लान दिया हुआ है फ्रेंड्स, जितने का स्पीड आप चाहते हैं। अगर ज़्यादा का स्पीड चाहते हैं आप तो उसके लिए आपको महंगा प्लान खरीदना होगा। अगर आप कम स्पीड में काम चलाना चाहते हैं तो आप 399 का भी प्लान खरीद सकते हैं। आप जिस रिचार्ज प्लान को खरीदना चाहते हैं फ्रेंड्स, पहले उसका डिटेल आप चेक कर लें। तो डिटेल चेक करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिस रिचार्ज प्लान को आप खरीदना चाहते हैं उसके वाले ऑप्शन में व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस तरीके से उसका सारा डिटेल चेक कर सकते हैं कि कितने तारीख तक वैलिड रहेगा, कितने का स्पीड देगा और कितना डेटा देगा और भी बहुत कुछ। अब इस रिचार्ज प्लान को खरीदने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जब वहाँ पे मैंने बाय के ऑप्शन पे क्लिक किया था उस टाइम इसका रिचार्ज प्लान का जो प्राइस दिया हुआ था वो 699 रुपये था, लेकिन यहाँ पे हमें 824 रुपये कुछ पैसे पे करने होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा GST जोड़ के दिखा रहा है। रिचार्ज प्लान में जो 699 रुपये दिखा रहा था फ्रेंड्स वो GST के बिना था, लेकिन इस पेज में हमारा GST के साथ अब रिचार्ज का अमाउंट दिखा रहा है, इसलिए 699 रुपये वाला जो रिचार्ज प्लान है वो GST जुड़ने के बाद 824 रुपये कुछ पैसे हो गया है। तो इसलिए अब हमें यहाँ पे 824 रुपये कुछ पैसे यहाँ पे हमें पे करने होंगे फ्रेंड्स। इस अमाउंट का पेमेंट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप डेबिट कार्ड का यूज़ करके या फिर ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़ोनपे वाले ऑप्शन को चूज़ करके इसका पेमेंट करूँगा फ्रेंड्स। तो फ़ोनपे ऐप से पेमेंट करने के लिए आपको सिंपल फ़ोनपे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप फ़ोनपे के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपका जो फ़ोनपे है वो ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम को हमें पेमेंट करना है 824 रुपये। तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर रिचार्ज लिख देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे सिंपल सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे अपना UPI ID डालना होगा इसका पेमेंट करने के लिए। इस तरीके से आप फ़ोनपे से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरा प्राइवेसी पॉलिसी ऑन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक नज़र आ रहा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने UPI ID डाला है यहाँ पर इसका पेमेंट हो गया है फ्रेंड्स। पेमेंट करने के 10 से 15 सेकंड के अंदर ही फ्रेंड्स आपका जो जियो फाइबर का वाईफाई है वो सक्सेसफुली रिचार्ज हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जियो ऐप में भी दिखा रहा है कि पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है और मेरा जो जियो फाइबर है वो सक्सेसफुली रिचार्ज हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल के जियो ऐप से अपने जियो फाइबर का जो वाईफाई है उसका रिचार्ज सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें
और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल टेक्निकल सिमरा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।